देखिए प्यारे बहन भाइयों, सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आप लोगों को बारिश दिख नहीं पा रही है, लेकिन बिजली चमकते हुए आपने देखा था ना अभी, बहुत पूरी रात हो गई, पूरा बिजली चमक रही है, बहुत गंदी वाली बारिश हो रही है। माँ अंदर ही रहो बाबू, माँ 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 एक भी वीडियो शूटिंग नहीं बनाने देगा मेरा बेटा। हाँ टेरिस का गिर रहा है, लेकिन कैसे दिखाऊं, माँ वहाँ बीच में आ गई थी, बाहर मुंडी आधी लटका ली थी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, और 7 बज गए लेकिन खास उजाला नहीं हुआ है क्योंकि पूरे बादले हैं, मौसम ठंडी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आपको क्या ही बताऊं, जो लोग राजस्थान में रहते हैं उनके यहाँ तो हो रही होगी, उनको तो पता चल गया होगा, जो नहीं रहते हैं ये देखिए पूरा रोड गीला हो गया है, वहाँ पानी गिर रहा है, ये गिर रहा हम लोगों के टेरेस का पानी। चलिए फोन पे ज्यादा ही पानी गिर गया। मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। और दिन की शुरुआत तो हमारी 7 बजे ही हो गई थी और एकदम अंधेरा अंधेरा था और बारिश काफी जोरदार बारिश हो रही थी, वो तो हो रही थी जाने दो, पूरी रात हम लोग सोए नहीं मैं और आरिफ, क्योंकि एक मिनट माऊ और शीरो दोनों एक दूसरे के साथ में डर रहे सोइए, अब भी सोइए। माऊ ने 2 दिन से खाना बंद कर दिया था, पानी नहीं पी रही थी क्योंकि पहले रैबिट आ गए, माऊ पहले उनसे डरने लग गई, फिर हम लोग शीरो ले आए माऊ के लिए, एक दोस्त तो काई के लिए लेके आए, माऊ दुश्मनी बन गई उसकी। एक तो इतना महंगा लेके, महंगे सस्ते की बात नहीं, हम लोग माऊ को त्रास नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने फिर वीडियो देखा कि उन लोग को थोड़ा अलग अलग रखना होगा, अभी अलग अलग रखा है। और फिर रात भर दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे, दंगे हो रहे हो रहे, फिर हम लोगों ने दोनों का एकदम, और शीरो ने क्या कमाल किया, सुसु कर दिया, सोने नहीं, बारिश हो रही है, लाइट चली गई, अंधेरे में दोनों मम्माएं घूम रही है, एक तरफ मैं घूम रही, एक तरफ आरिफ घूम रहा है, हग रहे, पागल कर रहे, पेशाब कर रहे है, एकदम गंदा दिन था कल रात का। अभी सोई है दिखा, अभी ये सोई है और वो भी सो गया, शीरो भी सो गया और रैबिट भी सो गया हग मुद के। पर हम लोग खाना खा रहे, हम लोग पूरे बिस्तर धो रहे, सब काम कर रहे, परेशान हो गए हम लोग तो, सुबह सुबह इतना बिस्तर भी धोना पड़ा फिर हम लोगों को। चलिए दोस्तों आइए, आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। क्या बोल गया, मजे कर रहे हैं, बिरयानी खानी थी तो मुझे भी बताते थे बेटा, भाजी वाली नहीं आई तो मजबूरी में खा रहे बिरयानी हम लोग, नहीं तो नूडल बनाने वाली थी मैं। मैं तो नूडल ही खाने सोच रहा था। भाजी वाली आई नहीं, सुबह से इंतजार कर रही थी मैं, सब मजबूरी में हम लोगों को ये बिरयानी खाना पड़ रहा है, ठंडी हो गई है, बारिश की वजह से नहीं आए हम लोग, बारिश होने की वजह से इतनी गंदी ठंड पड़ रही है ना, हम लोगों ने सब दरवाजे ऊपर ऊपर के सब बंद रखे है, पंछियों को भी ठंडी लग सकती है, माओ को भी, शीरो को भी, रैबिट को भी, अब मुझे पता नहीं चल रहा हम लोग इतना त्रास क्यों ले रहे हैं, अच्छी खासी अपनी सीधी सादी जिंदगी के अंदर। मैं तो आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप लोग मत लाइए कुछ भी, बहुत भारी पड़ता है। सोया है, मैं भी जाके देख के आई हूँ, एक चद्दर डाल दो, पागल हो गई है, इतनी गर्मा से पूरा वेलवेट का है, उसको मारना है क्या, उसके इतने बड़े बड़े तो बाल है, बड़े है ना तो उसको गर्मी लगती है, कुछ डंडी नहीं लगेगी, डबल गर्मी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा उसको। दोस्तों देखिए कितना सुहाना मौसम है और एकदम साफ दिख रहा है, अभी काफी अच्छा दिख रहा है, और ये रेत सब भीग गई, रात में बहुत बारिश हुई, सब भीग गया, अब थोड़ा धूप निकली है तो सब खुला खुला है, अब इसको सुखा देते हैं लीटर को ताकि संडास पिसाब के लिए टेंशन नहीं हो। एक ड्रम में पानी भरा है क्या? देखता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक जरूरी बात, क्या हुआ, क्या हुआ माँ? हाँ मैं आपको जरूरी बात ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ने रैबिट वापस भेज दिया है,
क्यों वापस भेजा है, क्योंकि माऊ रैबिट आने के बाद से खाना बीना कम खा रही थी, खेलना भी छोड़ दी थी और बहुत ना परेशान हो गई थी, एकदम घबराई घबराई सी, अजीब सी, पानी पीना नहीं, खाना खाना नहीं, रैबिट लोग के पास ही बैठना, उन्हीं की सेवा ही करते रहना, घर आना ही नहीं, उधर ऊपर ही रहना। तो फिर फाइनली, और सबसे बड़ी वजह कि रैबिट लोग सफेद कलर का सूसू करते हैं, है ना आरिफ? और आरिफ परेशान हो गया था उनका सूसू साफ कर करके बाबा। अरे सूसू मतलब बोलो, ट्रे में भी नहीं कर रहे। सुबह तो पहले मैंने सूसू उसका साफ कर दिया, अरे मैं दिख भी रही हूँ उसके अंदर। पिंजरे की ट्रे में नहीं कर रहे, उल्टा दीवारों पे कर रहे। पिंजरे की इतनी बड़ी, आरिफ महंगे पैसे का पिंजरा लाया, उसके अंदर इतनी बड़ी ट्रे, पर उसके अंदर नहीं कर रहे थे, सीधे पता नहीं कैसे छलाड़े मार मार के कर रहे थे, पूरा सूसू बाहर गिर जाता। अभी बाहर सूसू गिरेगा तो माऊ है और शीरो है, वो दोनों को कैसा लगेगा? वो दोनों कभी सूसू के पैर रख दिए, कुछ रख दिए तो लोगों को तकलीफ हो सकती है ना। देखिए शीरो के बाल। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ भी लाने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो ना अपना जीव, अपना कुछ रहो। जैसे आप कुछ ले आते हो, वैसे माऊ नहीं सताई कभी भी, ऐसा भोला बच्चा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। लेकिन अभी दूसरा शीरो लेके वो भी नहीं सता रहा है, लेकिन माऊ की और उसकी ज्यादा अभी बन नहीं रही है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रही है। और रैबिट की और माऊ की तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने आरिफ को बोली भाई साहब रैबिट को तो हटाना ही पड़ेगा। आरिफ अंत तब भी थोड़ा ऐसा सोच रहा था, लेकिन फिर आरिफ भी डर गया क्योंकि इतना सूसू कैसे साफ करेगा बाबा, टेरिस पे रख नहीं सकते ठंडी का मौसम है, ऐसा रैबिट के साथ अत्याचार नहीं कर सकते थे। इसीलिए फाइनली 2 दिन हुए ना रैबिट को लाके, परसों लेके आया था, कल रहे और आज चले गए। अब जाके माऊ के सुकून चढ़ा है कि भाई रैबिट चले गए, वरना उनका ध्यान रखने में जिंदगी जा रही थी ना इसकी। अभी ठीक है, लेकिन है ना मम्मा? मम्मा मेली, ओ मेली बाटा, ओ मेली बटाटा, बहुत गंदी है ये, आएगी नहीं, खुद का मन करेगा तो ये आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, सो जाओ, अभी लाइट बंद कर देते हैं, अम्मा लाइट बंद करते, मैं बैठा छेगा, मिरर में दिख रही है मुझे, पीछे से मिरर में देखती रहती हूँ मैं इसको, गंदा बच्चा होना आम बात थोड़ी होती है। तो आप लोगों को हमारा वक्त कैसे लगा? पूरी रात हो गई है, सुबह से ऐसा हुआ था कि बारिश पूरी, कल पूरी रात बारिश हुई, हम लोग सोए नहीं, लाइट आ रही जा रही, बिजली चमक रही, अजीब अजीब से तूफान आ रहा, ऐसे डन 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 आवाज आ रही, फिर एक तरफ माऊ का अलग चल रहा, लाइट चली गई, माऊ घूम रही है, शीरो घूम रहा है, मैं और आरिफ घूम रहे हैं, अंधेरा ढनास हो रखा है, सब दौड़ रहे इधर उधर, जैसे गर्दन में दर्द हो गया, फिर सोए, फिर सुबह उठे, फिर उसके बाद में एक अलग ही दौड़म दौड़ इतनी साफ सफाई रैबिट लोग ने, इतना सारा पोटी, इतना सारा सूसू, बहुत थका देने वाला दिन था। बहुत साफ सफाई करने के बाद अब हम लोग खाना वीना खा के अभी बैठे हैं, खाना भी नहीं दिखा पाए हम लोग, है ना, बिरयानी दिखाए थे बस। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हम लोग को बताइए, और हमारे साथ बने रहें, हम लोग और अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। पर अब हम जिंदगी में अभी और कोई जानवर, कोई पेट कुछ नहीं लेके आएंगे, बस मेरी बाटी रहेगी माऊ, और शीरो को तो लग रखना ही पड़ेगा। अभी तक शीरो नहीं देखा ना लोग ने? नहीं देखा होगा ना ब्लॉग में, तो दिखाई दिया ना, ये तो अब आगे जाएगा ना, आज के ब्लॉग में कहाँ दिखा, ये आज का ही है, इसमें दिखाया मैंने। तो शीरो है, शीरो को बस खाली बस थोड़ा सेट होने में टाइम लग रहा है, माऊ की और शीरो की एक बार दोस्ती हो जाए ना, फिर तो इन लोग कितना भी घर के अंदर जो मन में आए करो, इनका ही घर है, क्या कर सकते, बस खाली दोस्त थोड़ी नहीं हो पा रही, हल्की फुल्की होने जैसी हो रही है, जैसी ही दोस्ती आएगी तो आप लोगों को दिखा देंगे, दोनों साथ में खेलेंगे, तब मारा पीटी जो भी होगा दोनों का भी, मारा पीटी तो होती है माऊ लोग की, है ना आरिफ? और मारा पीटी नहीं कर रहे, लेकिन नहीं वो नहीं कर रहे, माऊ भी नहीं कर रही है, माऊ क्या झगड़ालू है क्या? नहीं कर रही, हाँ नहीं कर रही, शीरो भी नहीं कर रहा, शीरो भी एकदम शांत है, एकदम शांत है, माऊ तो फिर भी इधर उधर घूमती है, भागती है, वो तो एकदम चुपचाप खेलता है। ये बिल्ली भी क्या मस्त है, कुछ मस्त नहीं, एकदम ढेबड़ी पड़ी है, मस्त सिर्फ इस दुनिया में मऊआ ही है ना, मऊआ। और शीरो भी थोड़ा क्यूट है, छोटा सा बच्चा, प्यारा है, फेदर अच्छे है, फेदर तो मुझे पसंद नहीं है इतने, मुझे कम ही पसंद है, लेकिन उसका फेस एकदम ऐसा क्यूट सा है, ऐसे ऐसे आते हैं, ये मत डाल देना, मैं ऐसा मुंह करके चलो।